So hello everyone. So you are given a circuit here and beta for both of the transistor are 100 and you have to find the value of I naught. ओके सो स्टार्ट करते हैं. देखो Q1 की बात करें अपने ट्रांजिस्टर Q1 की. देखो ओपन सर्किट टेस्ट लगाते हैं. देखो यहाँ पे बेस वोल्टेज इसका कितना आएगा, 10 वोल्ट. ओपन सर्किट टेस्ट लगाते हैं, मेरे को पता है यहाँ पे ड्रॉप आएगा, लेकिन एक बार रीजन ऑफ ऑपरेशन चेक करने के लिए. और एमीटर वोल्टेज कितनी आएगी, ग्राउंड से कनेक्ट है 0 वोल्ट. देखो यहाँ पे VB कितना आ गया, 10 वोल्ट, दैट इज ग्रेटर देन 0.7. इसका मतलब ये ऑन है, ठीक है, Q1 ऑन है. बात करें Q2 की, देखो Q2 में बेस पे आएगा वो 10 वोल्ट और एमीटर पे 0 वोल्ट. और Q2 देखो PNP ट्रांजिस्टर है. NPN में हम VBE देखते हैं, PNP में VEB देखते हैं. सो VEB की वैल्यू है -10, जो कि लेस देन है 0.7. इसका मतलब Q2 इज ऑफ, ठीक है, मतलब Q2 ऑफ हो गया. मतलब ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा और इसको सोल्व कर लेंगे. तो देखो सर्किट किस तरह बनेगा, मैं पॉज करके बनाता हूँ एक बार. ठीक है, तो देखो ऐसा ही तो बनेगा. अब मैं इस वाले लूप में केवीएल लगा लेता हूँ. देखो क्या आएगा, 10 माइनस 0.7 इक्वल्स टू 10 IB प्लस IE, और IE को मैं 101 IB लिख सकता हूँ. तो यहाँ से 9.3 इक्वल्स टू 10 प्लस 101 111 IB. सो यहाँ से IB की वैल्यू आती है 9.3 1111 mA. ठीक है, तो इससे IE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.3 upon 111 into 101. इसका मतलब IE की वैल्यू आई सोल्व करने पे 8.46 mA. ठीक है, तो ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि हमने एक्टिव मान के कर लिया है, रीजन ऑफ ऑपरेशन तो चेक ही नहीं किया. देखो अगर यहाँ पे 8.46 mA करंट आती है, तो यहाँ पे देखो 8.46 वोल्ट ड्रॉप आ जाएगा, और हमने अप्लाई 5 वोल्ट ही कर रखा है. मतलब 5 वोल्ट VCC 8.46 वोल्टेज को ड्राइव कर रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में है, तो हमें इसको सेचुरेशन मान के सोल्व करना पड़ेगा. तो ये आंसर अपना गलत था. तो यहाँ से देखो ये 5 वोल्ट है, यहाँ पे कितना ड्रॉप आएगा सेचुरेशन रीजन में, हमें पता है यहाँ पे 0.2 वोल्ट ड्रॉप आता है. तो 5 माइनस 0.2, तो वी नोट की वैल्यू क्या आती है, 4.8. इसका मतलब IE, जो कि आई नोट ही है, उसकी वैल्यू आएगी 4.8 upon 1 kilo, 4.8 mA. ये आंसर है, ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था. सो ओके, इफ यू डिसलाइक द वीडियो प्लीज लीव अ सजेशन फॉर मी सो दैट आई कैन इंप्रूव. थैंक यू.